देख लेते हैं कि पिछले हफ्ते संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है। वैसे तो हमने कैश मार्केट में लगातार बिकवाली बनते हुए देखी एफआईआईज की तरफ से। अभी भी अगर नजर डाली जाए तो कैश मार्केट में शुक्रवार को हमने विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली 4,470 करोड़ की देखी है। हालांकि इसके ठीक विपरीत डीआईआईज यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 4,318 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। एफएनओ स्पेस की बात करें तो एफआईआईज की तरफ से 3,658 करोड़ के आसपास की खरीद हमने बनती देखी है। तो जिस तरह के संकेत मंडे मॉर्निंग निकल कर आ रहे हैं ग्लोबल संकेत, उस पर हम बात करेंगे। और आज बाजार में आपको क्या रणनीति अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर गुड मॉर्निंग। रूस यूक्रेन के मामले में हम देख रहे हैं लगातार नए अपडेट आते चले जा रहे हैं, डाउन नैस्डैक फ्यूचर्स लुढ़क गए हैं, क्या रणनीति सर आज अपनाई जाए? देखिए खबरें दोनों तरफ की आती दिख रही, गुड मॉर्निंग ने आज कुछ अच्छी है तो कुछ खराब भी है। एक और ध्यान दोनों के बीच में रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन उसी के साथ जो सब कुछ मूल माहौल अमेरिका में बाजारों में आपको दिखा वीकेंड पर, और ऐसा लग रहा था कि बातचीत के जरिए अब मामला सुलझने की तैयारी में, उसी वक्त रूस के राष्ट्रपति का ये बयान कि उनकी जो न्यूक्लियर ताकत है उसको तैयार कर लिया जाए और हाई अलर्ट पर रखा जाए, इसने सारा मूड माहौल बिगाड़ा है। इसी की वजह से अब आप देख सकते हैं कि बाजारों का मूड फिर से खराब होता दिख रहा है। अदरवाइज वीकेंड पर आप देखें तो 300-350 पॉइंट ऊपर था एसजीएक्स 17,000 के बेहद करीब खुलने की तैयारी में थे। डाउ फ्यूचर्स थोड़े कमजोर हुए, हालांकि पैनिक वाली बात अभी नहीं दिख रही है, अनिश्चितों से रिकवर करते हुए दिखा, लेकिन दिक्कत तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि अब भी अनिश्चितता बढ़ रही है दोनों तरफ से। एक तरफ यूक्रेन के समर्थन में सारे देश आते हुए दिख रहे हैं तो रशिया भी अपने आप को और ज्यादा मजबूत दिखाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, और लड़ाई 4 दिन के बाद भी अभी तक चलती हुई दिख रही, कहीं कोई इसमें रुकने थमने के आसार नहीं दिख रहे। सो सिचुएशन वैसी है जैसे हमने शुक्रवार के दिन देखी थी, तो अभी भी लड़ाई है और स्टेटमेंट दोनों तरफ से जो आ रहे हैं वो कोई कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले हैं नहीं। अब आज भी और आगे आने वाले 1-2 दिनों में लगातार इसी बात पर फोकस रहेगा कि किस तरह के स्टेटमेंट दोनों तरफ से आते हैं और उसी के दम पर बाजार ट्रेड करेंगे। फिलहाल इन सारे संकेतों को मिलाकर देखें तो थोड़े से डर का माहौल है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसे में देखते हैं हम शुरुआत करने के बाद 16,475 निफ्टी पर सपोर्ट रेंज है और 16,850 ऊपर की तरफ रुकावट की रेंज, इस रेंज की किसी एक तरफ निकले फिर उसके बाद देखेंगे क्या किस तरह का बड़ा मूव आता है। तो पहले सपोर्ट और रुकावट की रेंज ये आपके लिए निकल कर आएगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 35,500-35,775 ये तुरंत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 36,650-36,825 ये वो रेंज है जहां पर आपको बैंक निफ्टी में रुकावट आती हुई दिखेगी। तो दोनों तरफ के ट्रेड हो सकते हैं, खबरों के दम पर होगा। अगली खबर कौन सी आएगी, किस तरह की आएगी, किसकी तरफ से आएगी, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तो वही वाला फॉर्मूला है जो पिछले हफ्ते था, ट्रेडिंग पोजीशन को मिनिमम रखें, सावधानी के साथ ट्रेड करें, कम क्वांटिटी में स्ट्रिक्ट स्टॉपलॉस के साथ करें, और ना करें तो बेहतर, मार्केट को सेटल होने दें। इन्वेस्टर्स के लिए बीच बीच में आपको तेज गिरावट में जब भी मौके मिले तब आपको धीरे धीरे पैसा डालना चाहिए, इसी स्ट्रेटेजी के साथ इस हफ्ते की शुरुआत करनी चाहिए।